नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में हम जो है डेली बेसिस पे नए नए वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपको पता चले कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए और आप जो है अपने लोकल प्रोडक्ट को किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्रोजन फूड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रोजन जो है मीट हो गया, या फ्रोजन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हो गए, मैरीन प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब आते हैं। तो प्रोसेस फूड वगैरह भी कई सारे फ्रोजन होते हैं जो कि इस चैप्टर या इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, हम फ्रोजन फूड के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आपको फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट करना है, इस किस किस तरीके की वैरायटीज के फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट हो रहे हैं, किन किन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लेके आए आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहते हैं। लाइव बायर फाइंडिंग करके हम बताएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की रहती है बायर फाइंड कैसे किया जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से हमें बायर ढूंढना है, खरीदार ढूंढना है और उसको हमारा प्रोडक्ट सेल करना है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं हमारे कई सारे क्लाइंट की तरह जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है शुरू कर चुके हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल वे में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है उसके बारे में जानकारी जो है आपको हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। सो फ्रोजन फूड और इसके चैप्टर की बात करें तो फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट जो है 19 चैप्टर के अंदर आते हैं, और मीट प्रोडक्ट जो है जैसे एनिमल मीट वगैरह 02 में, और 03 में आपका फिशरीज वगैरह के मीट्स वगैरह आते हैं, तो वो सारे जो रहती है फिश वगैरह भी, फ्रोजन फिश वगैरह भी काफी अच्छी एक्सपोर्ट होती है, फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट होता है, फ्रोजन फूड, फ्रोजन वेजिटेबल्स वगैरह सब एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आते हैं। टोटल प्रोडक्शन एंड मार्केट साइज की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं आपको टाइप बता देता हूं कि फ्रोजन वेजिटेबल स्नैक्स जाते हैं, फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जाते हैं, फ्रोजन मीट का भी जो है एक्सपोर्ट होता है। फ्रोजन फूड मार्केट साइज की बात करें इंडियन रुपीज में तो 167.3 बिलियन का कारोबार है पूरा 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, और जो है ये एस्टिमेटेड जो मार्केट साइज होने वाली है INR 561 बिलियन की होने वाली है 2023 में, जो कि 14% की CAGR मतलब एनुअल कंपाउंड जो ग्रोथ रेट है वो आपकी करीब 14% रहने वाली है 2024 से 2032 के हिसाब से। ग्लोबल मार्केट साइज की बात करें तो 411.24 बिलियन का जो है ये पूरा मार्केट है, और 2023 तक जो इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रही है 430.97 बिलियन डॉलर के आसपास का रहा है। तो बहुत बड़ा मार्केट है जो कि आप जो है इसको कैप्चर कर सकते हैं, आप जो है इस बिजनेस में आ सकते हैं। अगर आप भी फ्रोजन फूड बना रहे हैं, फ्रोजन फूड के मार्केट में आना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन के साथ, जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा वो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और वो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में। तो यहाँ बात करें दोस्तों आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, इसकी किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। पहले तो आपको इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करना है किस टाइप के प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं, उसके बाद प्रिपरेशन एंड कटिंग आपको उसका करना होता है, ब्लांचिंग करनी होती है, फ्रीजिंग करना रहेगा -18 डिग्री के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, प्री कूलिंग फॉर फ्रोजन कार्गो जब आप तैयार करेंगे उस टाइम पे उसकी प्री कूलिंग भी होती है, और लास्ट में उसको पैकेजिंग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं पैकेजिंग के, कोई पॉलीथीन पैक्स में करते हैं या अलग अलग दूसरे टाइप के वैक्यूम पैकेज होते हैं, कंटेनर्स पैकेजिंग होती है, तो उसमें आप जो है इसको पैक करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें कि किन किन कंट्रीज में फ्रोजन फूड का आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा यूएसए में हुआ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,33,511 शिपमेंट का जो है एक्सपोर्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में 32,799 शिपमेंट गए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, यूके के अंदर 16,774 शिपमेंट जो है यहां से एक्सपोर्ट हुए, वियतनाम में 12,039 जो है शिपमेंट गए हैं, कनाडा के अंदर 10,719 शिपमेंट गए, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, सिंगापुर और यूएई वगैरह में जो है ये शिपमेंट आपके गए हैं। कॉम्पिटिटर कंट्रीज की बात करें तो ये आपका यूएस है, इटली है, चाइना है, जर्मनी है, स्पेन है, नेदरलैंड है और वियतनाम, ये सब कुछ आपकी जो है कॉम्पिटिटर कंट्रीज है जिसमें आपने जो है एक्सपोर्ट किया है। प्राइसिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है,
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और करीब करीब 80 से 90% दोस्तों, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 80 से 90% मार्जिन जो है फ्रोजन फूड के अंदर निकल के आता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट को अगर प्रोसेस कर दिया जाता है ना तो उसकी कीमत जो है डबल से ज्यादा हो जाती है। तो आप एक तो होता है जनरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना, एक होता है उसको प्रोसेस करके कुछ नया आइटम बनाना, या कई सारी प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कस्टमाइजेशन के रूप में किया जाता है, तो वहां पे आपको मार्जिन जो है डबल से भी ज्यादा मिल जाते हैं। तो 80 से 90% मार्जिन जो है आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट भी आपको इसमें सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करें, फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आए, तो बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ कर रही है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो 0.15% ड्रॉबैक आपको इसमें मिल जाता है, और 1% जो है रोड टैप मिल जाता है। मीट प्रोडक्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, बट फ्रोजन फूड्स जो वेजिटेबल्स वगैरह आप करेंगे उस पर 1% रोड टैप आपको मिल जाएगा। पैकेजिंग और शिपिंग की बात करें तो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, लेमिनेटेड पेपर ट्रेज और कंटेनर। जैसा कि मैंने बताया कि इन सब के अंदर आप जो है उसको पैक कर सकते हैं। प्रॉपर पैकेजिंग इज एसेंशियल टू प्रिवेंट फ्रीजर बर्न एंड मेंटेनेंस फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस को जो है कंप्लीटली बनाए रखने के लिए जो है प्रॉपर पैकेजिंग भी आपको इसमें जरूरी रहेगी। व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रोजन कार्गो द रिफर कंटेनर शुड बी प्री कूल टू द लोवेस्ट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जो भी आपका लोवेस्ट रिक्वायर्ड टेम्परेचर रहेगा जहां पे इसको प्री कूल करेंगे, तो वो टेम्परेचर ऑलरेडी जो है कंटेनर के अंदर होना चाहिए, और उसको स्टप करके प्री कूलिंग पे वापस उसको लगा देना है। तो इस तरीके से जो है आप फ्रोजन फूड को जो है पैक कर पाएंगे और आगे जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंट अब आपको क्या क्या बनाने रहेंगे, जीएसटी लेना है, एडी कोड लेटर लेना है, LUT आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, उसके बाद आपको जो है FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस लगेगा, कुछ प्रोडक्ट के लिए लैब रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट भी डिमांड में आ सकती है, उसके बाद आपको सिंपली जो है कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसेनेटरी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन एंड लास्ट में बिल ऑफ लेडिंग, या बाई एयर जाएगा तो एयरवे बीएल, बाई सी जाएगा तो सीवे बीएल आपका इसमें बनेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके बनाने रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कंप्लीट प्रोसीजर की, अगर आप इंडिया से जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मीट प्रोडक्ट, तो इसका प्रोसीजर किस तरीके से काम करेगा। इसके लिए आपको जो है दोस्तों सिंपली सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि किस प्रोडक्ट में आपकी एक्सपर्टीज है, कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीट प्रोडक्ट को शुरुआत में अवॉइड करें, पहले आप जो है फ्रोजन फूड्स वगैरह या प्रोसेस फूड से चालू करें, वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए प्री कूलिंग वगैरह की सबकी। तो यहाँ पे आप जो है अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लें किस प्रोडक्ट में डील करेंगे, उसके बाद अपना सप्लायर पकड़ें कि कहां से सप्लायर से लेना है मटेरियल, फ्रोजन फूड्स कौन तैयार कर रहे हैं, उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है, उसको रजिस्टर्ड करा लेना है, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लेना है, वहां से आपको एडी कोड लेटर मिलेगा, साथ में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, RCMC एपिडा का इसमें ले सकते हैं, FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस आपको लेना है, उसके बाद आपको यहां से कुछ लैब रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है जो बायर की डिमांड के अकॉर्डिंगली बनाई जा सकती है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे आइस गेट रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसको पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, तो यहाँ से बैंक से एडी कोड लेटर लिया जाएगा और आइस गेट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा जिस भी पोर्ट से आप करना चाहते हैं। किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन या पेड कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपके डॉक्यूमेंट भी हम आपको बना के दे सकते हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर। तो आप डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहां से आपको एक्सपोर्ट करना है, चाहे बाय एयर हो बाय शिप हो, वहीं पे आपको एक CHA कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना रहेगा जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करेगा। यहां पे अब आपको बायर फाइंडिंग शुरू कर देना है, जब आपको बायर मिल जाए तो बायर मिलने के बाद आपको उसको प्राइस देना है, प्राइस देने के बाद आपको उससे अपना पेमेंट डलाना है, पेमेंट डलाने के बाद आपको सिंपली जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देना है प्री कूलिंग करके, प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करके रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर के अंदर आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। जब आपका मटेरियल जो है पोर्ट पे पहुंचेगा, आपका CHA उसका कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को आगे शिप करवा देगा। इस तरीके से आपका जो है फ्रोजन फूड का एक्सपोर्ट होता है। ये करना बहुत ईजी है क्योंकि फ्रोजन फूड खराब नहीं होता। अगर -18 डिग्री से लोवेस्ट टेम्परेचर जो है हमने बताया कि उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सेट करेंगे, हर प्रोडक्ट का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप सेट करेंगे टेम्परेचर, तो आराम से जो है आपका प्रोडक्ट सेफली और फ्रेश जो है बाहर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है पूरा पैकेजिंग के टाइम पे, कूलिंग के टाइम पे, सारी चीजों का, और आप आराम से जो है अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि हम लेके आए आपके लिए 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।